लेकिन शुरुआत राबड़ी देवी के घर सीबीआई की इस रेड से। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में आज सीबीआई ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की। इस केस में 15 मार्च को राबड़ी, लालू यादव और मीसा यादव की पेशी है। हालांकि राबड़ी देवी से पूछताछ के विरोध में आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। तेजस्वी यादव ने सीबीआई के एक्शन पर सवाल उठाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इसे गलत और अपमानजनक करार दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। पौ फटते ही पटना में सीबीआई टीम की दस्तक हुई। राबड़ी देवी के घर सीबीआई टीम की दबिश ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया। शक्ति प्रदर्शन करने लगे, सीबीआई के एक्शन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सीबीआई की टीम रेलवे से जुड़े जॉब के लिए जमीन मामले में राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही थी, लेकिन धरना प्रदर्शन के जरिए पार्टी की ताकत दिखा रहे आरजेडी नेताओं को ये बात बेहद नागवार गुजरी। सबने एक सुर में इसे बीजेपी का सियासी बदला बताया। 2024 में मोदी सरकार की वापसी को भी नामुमकिन बता दिया। 15 दिन पहले बोला है कि 12 केस में उसको ठोके हुए हैं, 13वां केस एक लालू यादव पर आउट ठोकेंगे। 2024 का साजिश है सीबीआई कोती। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारा हम लोग कहते थे और यह तबाह किया जा रहा है तेजस्वी यादव को। 14 वाले 24 में नहीं आएंगे तो एक बौखलाहट देश की हुकूमत में आई है। और मैं एक बात खुले मन से कहना चाहता हूँ, कोई अमृत पी करके नहीं आया। ये दुनिया, ये प्रकृति सबका इंतजामात करती है। जो आए हैं वो जाएंगे, जो बना है जो बिगड़ेगा। पिछली बार भी आप याद करें जब हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में 15 में आए थे तो ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, लगातार ईडी रेड, सीबीआई रेड करके परेशान करने की कोशिश की। आरजेडी सत्ता से हट गई। अभी फिर जब हम लोग सत्ता में आए तो फिर परेशान करिए। सामने 24 का चुनाव है, उसे डर लग रहा है। जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बीजेपी इस बार सरकार में नहीं आ सकती है, बीजेपी वाले डरे हुए हैं, ऑपोजिशन को परेशान कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट समन जारी कर चुकी है। कोर्ट ने 15 मार्च को राबड़ी, लालू, मीसा को पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि सीबीआई टीम की दबिश के साथ ही मीडिया में राबड़ी के घर छापेमारी की खबरें चलने लगी, लेकिन चंद घंटे के भीतर ही खबर बदली। नई खबर ये आई कि सीबीआई राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने राबड़ी देवी से तकरीबन 4.5 घंटे तक पूछताछ की। देखिए, राबड़ी देवी भी यहां से निकल चुके हैं। 10 बजे से चल रहा था और राबड़ी देवी सत्र के लिए निकल चुकी हैं, घर से निकल रही हैं, यहां पे हाथ हिला रही हैं। हालांकि चेहरे पे कोई शिकन नहीं दिख रही है और यहां से देखिए सही, अब राबड़ी देवी अकेले ही अपने आवास से बाहर निकली हैं। करीब 10 बजे सीबीआई की टीम यहां पे आई थी और 3 बजे तक यहां पे रही। और इसके बाद पहले सीबीआई की गाड़ी निकली और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने आवास से निकली हैं। सीबीआई टीम की लंबी पूछताछ के बाद राबड़ी देवी बजट सत्र में शिरकत करने विधान परिषद पहुंच गई। मीडिया ने जब राबड़ी देवी से इस बाबत सवाल दागा, राबड़ी का जवाब यूं आया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सीबीआई टीम का आना पुराना अफसाना हो गया हो। सीबीआई टीम आई है, उसपे क्या लग रहा है कि होली के महज एक दिन पहले ही राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ ने तेजस्वी यादव को गुस्से से भर दिया। जांच एजेंसियों के बहाने बीजेपी निशाने पर आई। बात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होते हुए राजा हरिश्चंद्र तक पहुंच गई। इसलिए कि आप भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा में गए तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी ने। अब टाइमिंग, अब जिसको जो आकलन करना हो करता रहे। जिस दिन ये नई सरकार बनी है उस दिन से हम कह रहे हैं कि हर महीने तो होता ही ना भाई, तो इसमें कोई फर्क पड़ रहा है किसी को? ये तो बिहार की जनता देख ही रही है।
मां से मैराथन पूछताछ पर तेजस्वी ने सवालों का पंडल उछाला। पार्टी और सरकार के साथ सहयोगी भी तेजस्वी के सुर में सुर मिलाने लगे। केजरीवाल भी पूछताछ को राबड़ी देवी का अपमान बताने लगे, लेकिन बीजेपी ने पूछ ही लिया, अगर कोई गड़बड़ी नहीं तो डर काहे का। जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी उस दिन भी हमने बोला कि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा, तो इसमें कोई फर्क करने वाली बात नहीं। 15 तारीख को कोर्ट में है तो वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है बेल लेने का। दूध का दूध पानी का पानी होता है ना जी। अगर होगा कुछ तो उसमें निकलेगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं निकलेगा। और क्या, कोई केंद्र सरकार का पिट्ठू नहीं होता है, स्वायत्त संस्था है वो, जिस पर भी हमारे ऊपर भी वो काम कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीआई को लोग ले जाएंगे और कहेंगे हाँ यही हमको मिला है, आज तक तो ढेला पत्थर के सिवा कुछ न मिला है, मिट्टी के सिवा कुछ न मिला है। लालू परिवार ने जो कांड किया है बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार का, उस कांड में जो रही है उसी के अंदर लालू जी आज कई बार जेल के भी सफर कर चुके हैं, अब परिवार उस कसिंदे पे कसने को तैयार है। ये कभी सीबीआई को आगे कर दो, कभी इनकम टैक्स को कर दो, कभी ईडी को कर दो, जब जब चुनाव आता है तभी आपको सीबीआई एक्टिव क्यों होती है? ये लोग बीजेपी के तोता हैं। मुझे नहीं लगता अब केंद्र सरकार अब अपना विंग बना करके अगर ये रेड प्रकोष्ठ बना दिया गया है सीबीआई को तो बहुत दुखद है ये। सीबीआई निष्पक्ष संस्था है, सीबीआई अपना काम कर रही है, जैसी करनी वैसी भरनी। या सीबीआई आप मझक्का कर रही है, मझक्का जो शादी विवाह में मझक्का होता है वही मझक्का कर रही है। अब दिन पर दिन पूरे देश में सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, दिन पर दिन अपना क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है। तो भारत की सरकार है उसके पास काम नहीं है जनता के लिए, तो एजेंसियों को लगा देती है, कोई उसके खिलाफ बोले नहीं, कोई आका के खिलाफ कोई आवाज अगर होगी बुलंद होगी तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा। सीबीआई ने जिस मामले में राबड़ी देवी से 4.5 घंटे तक पूछताछ की वो जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़ा है। आरोप है कि साल 2004-2009 के बीच लालू यादव ने रेलवे में ग्रुप डी में नौकरियों के बदले जमीन ली थी जिसे अपने परिवार के सदस्यों के नाम करवाया था। 18 मई 2022 को सीबीआई ने 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती का नाम भी शामिल है। लैंड फॉर जॉब स्कीम में ये पूछताछ शुरू हुई है जिसमें 15 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सम्मन दिया था और इस सम्मन में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित 16 आरोपियों को वहां शामिल होना था, लेकिन उससे पहले ये सीबीआई ने ये पूछताछ की। हालांकि जिस दौरान पूछताछ की जा रही थी बाहर काफ़ी गहमागहमी रही थी, भारी संख्या में उनके कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे जिसको देखते हुए सिक्योरिटी के भी पूरे इंतजाम किए गए थे। सीबीआई की कार्रवाई हो या फिर भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी की दुहाई, लालू परिवार को कोई भी बात रास नहीं आई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट के जरिए सीबीआई पर तंज कसा। रोहिणी ने लिखा, वेलकम बैक, कल फिर आना। राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ के बाद बेटी रोहिणी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। पिता लालू यादव का एक पोस्टर साझा करते हुए रोहिणी ने लिखा, हर संकट को हंसते हंसते उन्होंने झेला है, बरसों तक भाजपा की छाती पर मूंग जिन्होंने दला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ को प्रताड़ना करार दिया। प्रियंका गांधी ने राबड़ी के समर्थन में ट्वीट किया, जो विपक्षी नेता भाजपा के सामने झुकने को तैयार नहीं है उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आज राबड़ी देवी जी को परेशान किया जा रहा है, लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार को वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो झुके नहीं, भाजपा विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। सूत्रों की माने तो पूछताछ का ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। राबड़ी के बाद सीबीआई की टीम मंगलवार को लालू यादव और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती से भी पूछताछ कर सकती है। दिल्ली से प्रशांत देव के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24।